26 नवंबर 2008 देश की आर्थिक राजधानी मुंबई पर बड़ा आतंकी हमला हुआ जिसमें 166 लोगों की जान गई थी। आतंकी सरहद पार पाकिस्तान से समंदर के रास्ते बोट से आए थे। हमले के 14 साल बाद महाराष्ट्र में फिर दहशत ने दस्तक दी। महाराष्ट्र के रायगढ़ में दो संदिग्ध नाव मिली। एक नाव से 3 AK-47 राइफल और कारतूस बरामद हुए हैं जबकि दूसरी नाव से लाइफ जैकेट और कई दस्तावेज मिले। आखिर महाराष्ट्र के समंदर में यह नाव कहां से आई, आखिर दो नावों की मिस्ट्री क्या है, जांच में पुलिस को क्या मिला, देखिए इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। महाराष्ट्र के रायगढ़ में एक संदिग्ध बोट की खबर मिलते ही हड़कंप मच गया। पुलिस से लेकर सरकार तक के हाथ पांव फूल गए। बिना देर किए महाराष्ट्र पुलिस ATS से लेकर NIA तक एक्शन में आ गई और जांच शुरू हो गई। साजिश की बोट की खबर आग की तरह फैली और पुलिस टीम रायगढ़ के हरिहरेश्वर तट पर पहुंची। बोट को बाद में बाहर निकाला गया जिस पर ब्रिटिश सिक्योरिटी एजेंसी के स्टीकर वाला एक बॉक्स मिला। पुलिस ने जैसे ही बॉक्स खोला उसके होश उड़ गए। वाटरप्रूफ बॉक्स में 3 AK-47 राइफल और ढेर सारी गोलियां और जिलेटिन की छड़े मिली। 3 AK-74 राइफल्स हैं और राउंड्स हैं, ये बोट के अंदर थे। और ये अभी तक की जो स्टोरी पता चली है शायद ये जो सिक्योरिटी गार्ड था बोट का, अभी हम इसी ये शुरू कर रहे हैं कि बोट कहाँ से थी, कैसे आई यहाँ पे, राइफल इसमें क्यों थे। इन्वेस्टिगेशन चल रही है। टेरर एंगल रूल आउट करना नहीं करना दैट विल बी डिसाइडेड लेटर। अभी तो हमने ओपन एरिया में रेड अलर्ट दे दिया है और हमारे फोर्सेस सब रेडी है। खूनी साजिश का सामान मिलने के बाद महाराष्ट्र ATS चीफ विनीत अग्रवाल और उनकी टीम भी मौके पर पहुंची। ATS ने जहां पूरे मामले की छानबीन शुरू कर दी, वहीं पुलिस ने रायगढ़ में हाई अलर्ट घोषित कर दिया। त्योहार का सीजन होने की वजह से प्रशासन ने मामले की जांच टेरर एंगल से शुरू की। जांच के बाद महाराष्ट्र के डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस मीडिया के सामने आए और नाम के किसी टेररिस्ट कनेक्शन की आशंका को सिरे से खारिज कर दिया। हमने अभी तक हाई अलर्ट रखा हुआ है और नाकाबंदी भी शुरू है क्योंकि फेस्टिवल का सारा सीजन चल रहा है। ऐसे समय कोई भी रिस्क नहीं ली जा सकती। महाराष्ट्र के डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस के मुताबिक ये एक ऑस्ट्रेलियन बोट है जो मस्कट से यूरोप जा रही थी लेकिन हाई टाइड की वजह से अरब सागर में फंस गई और फिर रायगढ़ के हरिहरेश्वर तट पर पहुंच गए। लेकिन सवाल ये कि क्या ये बोट भारतीय जल क्षेत्र में हादसे का शिकार हुई? अगर ऐसा हुआ तो भारतीय कोस्ट गार्ड को खबर क्यों नहीं हुई? सवाल ये भी है कि क्या इस बोट पर सिर्फ एक क्लीनर सवार था? अगर पायलट के अलावा कुछ और लोग भी थे तो वो कहाँ? बोट में मिले घातक हथियार क्या सिर्फ आत्मरक्षा के लिए रखे गए थे? जांच होगी तो इन सवालों के जवाब भी मिल ही जाएंगे।